कल मुझसे किसी ने फोन करा और पूछा कि हमें रुद्राक्ष लेना है, तो रुद्राक्ष तो मेरे पास अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और हमारे प्रोडक्ट्स का पेज देखकर वहां से प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। लेकिन उनका सवाल ये था कि आंवला के साइज का मुझे रुद्राक्ष चाहिए, वही अच्छा होता है, पांच मुखी रुद्राक्ष उन्हें चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैं कई लोगों को ये बताती हूँ और मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए कि पांच मुखी रुद्राक्ष आसानी से आपको हर जगह ओरिजिनल ही मिलेगा, नेपाली ही मिलेगा, बहुत बड़ी मात्रा में सब जगह पांच मुखी रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होते हैं ओरिजिनल। पांच मुखी रुद्राक्ष आपको गलत मिल ही नहीं सकता, लैब टेस्टेड आप तब भी ले सकते हैं, लैब टेस्टेड ले लेना ही मैं एडवाइस करती हूँ। लैब टेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी अगली वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे पास ये पांच मुखी रुद्राक्ष एक ये है और एक ये है, ये देखिए ये साइज में छोटा है, तो साइज अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग, ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल चीजें अलग अलग साइज में निकलती हैं। आप सेब खरीदेंगे, आम खरीदेंगे, तो अलग अलग साइज की मिलेंगी आपको चीजें, मतलब एक ही किलो, एक किलो आम आप लेंगे तो उसमें हर आम जरूर नहीं है एकदम सेम शेप का होगा, क्योंकि वो किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा साइज बड़ा होता है तो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, बहुत बड़ा साइज आम लोगों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि वो इजी टू कैरी नहीं होगा, वो इजीली गले में टांगेंगे वो इजीली नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े जो दाने वाली मालाएं लोग पहनते हैं वो साधु लोग पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो पूरे टाइम साधना में रहते हैं और वो बहुत ज्यादा इस तरह के काम डेली वाले नहीं करते, वो एक ही तरह के गेटअप में, मतलब एक ही तरह की चीजें और एक ही तरह का उनका शेड्यूल रहता है। आम लोग, हम जैसे, आपके जैसे गृहस्थी वाले लोग बहुत बड़े दाने नहीं पहनेंगे।